यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं रूसी साम्राज्यवाद 1914 को हम देख चुके हैं, और अर्थव्यवस्था और समाज, मतलब हम लोगों ने रूस की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे रूस में समाजवाद का आगमन कैसे हुआ, इसके बाद वहाँ पर 1905 की क्रांति कैसे हुई, मतलब अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना, धार्मिक व्यवस्था और राजनीतिक संगठनों की स्थिति को समझने के बाद वहाँ पर देखते हैं हम उथल पुथल का समय जो आता है वह 1905 की क्रांति, और अंत में फिर हम देखेंगे पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रूस में समाजवाद को। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियाँ गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी, फिर भी मार्क्स के विचारों को मानने वाले लोगों ने 1998 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कर लिया। इसको हम हिंदी में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी भी कह सकते हैं। पिछले अध्यायों में हमने रूस की आर्थिक व्यवस्था, रूस की सामाजिक संरचना, वहाँ के धार्मिक व्यवहार को समझा, और आज हम देखने जा रहे हैं रूस की राजनीतिक स्थिति को। किसी भी राष्ट्र की व्यवस्थाओं को जब तक हम समझ नहीं लेते, तब तक हम ये अंदाज नहीं लगा सकते कि वहाँ पर क्या हालात थे। आपको एक बात बता दूं मैं कि आप लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि सर प्रश्न उत्तर हल करवाइए। निर्धारित समय आने पर परीक्षाओं के समय हम प्रश्नों को भी हल करवाएंगे। अभी हम जो प्रश्न पाठ्यपुस्तक के अनुसार दे रहे हैं उनको आपको हल करना है, लेकिन आपको बता दें कि यदि आप पाठ्य वस्तु को ही, विषय वस्तु को भी अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ प्रश्नों की को हल करने में नहीं होंगी। रूस की आर्थिक स्थिति कैसी थी हम देख चुके हैं। रूस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जहाँ पर 85% लोग खेती पर निर्भर थे, बल्कि निर्भर ही नहीं थे, अन्य देशों को वे एक्सपोर्ट मतलब निर्यात भी करते थे। औद्योगिक हालात जरूर रूस के अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर विदेशी निवेश के साथ में उद्योगों में सुधार होता दिखाई दे रहा था। नई नई रेलवे लाइन्स डाली जा रही थी, ये चीज़ हमने देखी। सामाजिक स्तर पर हमने देखा कि तीन तरह की व्यवस्था थी, थ्री लेयर की। पहला लेयर कुलीन वर्ग का, दूसरा पूंजीपति और अमीरों का, और तीसरा वर्ग जो था वह गरीब, मजदूर और किसानों का था। तो ये सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ये स्थिति देख ली आपने। अब वहाँ के राजनीतिक हालात क्या थे, इसको देखने के लिए आप स्क्रीन पर ये जो लिखा देख रहे हैं इसको आप समझिए कि वहाँ पर 1914 के पहले राजनीतिक पार्टियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद भी कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वालों ने एक संगठन 1898 में बना लिया था। उस संगठन का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इस राजनीतिक पार्टी के गठन के साथ ही रूस का राजनीतिक ताना बाना बुनना शुरू हो जाता है। चलिए हम इसको आगे समझते हैं। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार भी निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। जैसा कि हमको मालूम है कि सरकार ने राजनीतिक पार्टियों के गठन पर, उनकी क्रियाविधियों पर, उनकी गतिविधियों पर पाबंदी लगा रखी थी, गैरकानूनी घोषित कर रखा था। एक रूसी सामाजिक कार्यकर्ता है अलेक्जेंडर, उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि वहाँ पर जो रूस के मजदूर थे वे बहुत चलता पुरजा हुआ करते थे। ये लोग बहुत जल्दी अपनी मीटिंग आयोजित कर लिया करते थे। ये जो श्रमिक संगठन थे, ये फैक्ट्री फैक्ट्री जाते, अपनी बातें करते और छोटी छोटी बैठकें तो अनायास ही आयोजित कर लेते। एक छोटी सी सूचना किसी फैक्ट्री में भेज दी जाती, फैक्ट्री के सारे वर्कर एक गलियारे में इकट्ठे हो जाते, उस गलियारे के मुख्य द्वार पर कुछ चतुर टाइप के, चालू पुर्जे टाइप के जो पदाधिकारी होते हुए खड़े हो जाते, एक आंदोलनकारी नेता आगे खड़े होकर अपनी बातें कहता और काम पूरा। जब तक फैक्ट्री मालिक पुलिस को सूचना देता और पुलिस आती, तब तक तो वे श्रमिक सभा के लोग, वे पार्टी के लोग अपना काम करके निकल चुके होते थे। इस तरह से वहाँ पर काम किया जा रहा था सरकारी आतंक के बावजूद। और ये जो कार्ल मार्क्स के समर्थकों ने जो समाजवादी, जो लोकतांत्रिक समाजवादी वर्कर्स पार्टी का गठन किया था,
इन्होंने मजदूरों को इकट्ठा किया, इनके अखबार भी निकला करते थे और मजदूरों के समर्थन में असंगठित रूप से ही सही हड़तालों का आयोजन किया था। हालांकि सरकारी नज़रों में असंगठित थे ये लोग, लेकिन ये लोग गैरकानूनी रूप से संगठित हुआ करते थे। चलिए हम आगे समझते हैं। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह से समय समय पर ज़मीनें बाँटते हैं उससे पता चलता है कि वे लोग स्वाभाविक समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इस तरह से हमने पिछले अध्यायों में देखा कि रूस का जो किसान है वह अपनी ज़मीन अपना काम पूरा होने के बाद कम्यून को लौटा देता था और फिर वह कम्यून ज़रूरतमंद किसान को वह ज़मीन वापस किया करता था। क्या आप अपने देश में इस तरह की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप अपनी ज़मीन पर काम होने के बाद अपने पड़ोसी को देने के लिए सरकार को सौंप सकते हैं? कतई नहीं। लेकिन रूस के किसान ऐसा करते थे और इसीलिए रूस के समाजवादी ये मानते थे कि जिन किसानों में इतनी ज़बरदस्त समाजवादी भावना है वे रूस की क्रांति के अग्रदूत बनकर रहेंगे। मतलब जब रूस में क्रांति होगी तो उसके वाहक, उसके ध्वजवाहक मजदूर नहीं बल्कि किसान होंगे। किसान ही क्रांति का मुख्य शक्ति बनेंगे, क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस जो है वह बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले जल्दी समाजवादी राष्ट्र बन जाएगा। इस तरह से रूसी समाजवादियों को यह लगता था कि रूस में जो क्रांति है वह मजदूरों के कारण नहीं बल्कि किसानों के कारण आएगी और किसान ही रूस में समाजवाद स्थापित करेंगे। 19वीं सदी की बात करते हैं। अब हम 19वीं सदी के आखिर में मतलब सन 1890 के बाद रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी मात्रा में सक्रिय थे। शहरों में तो वे लोग सक्रिय थे जो मजदूरों के बीच काम कर रहे थे, लेकिन गांवों में भी किसानों के बीच बहुत ज़्यादा समाजवादी लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। सन 1900 में इन समाजवादियों ने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी मतलब सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांगें बुलंद की। इनकी मांगों में प्रमुख मांग थी सामंतों के कब्जे वाली ज़मीनों को किसानों को सौंप दिया जाए। ये किसानों के लिए आंदोलन करते रहे और लगातार मांग करते रहे कि जो सामंतों, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के पास, नवाबों के पास जो ज़मीन है वह उनसे छुड़ाकर किसानों को बांट दी जाए। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब दो तरह की पार्टियाँ या दो तरह के समाजवादी खेमे रूस में काम करने लगे। एक खेमा था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का, जिसे हिंदी में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी कहते हैं, और दूसरा सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिक दल असहमत था, किससे? समाजवादी क्रांतिकारियों से। अब इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि किसानों के सवाल पर मतलब ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है इसको हम लोकतांत्रिक दल कहेंगे आगे और इसको कहेंगे क्रांतिकारी दल। तो जो क्रांतिकारी दल की बातें थी, जो ये कहते थे कि नवाबों से ज़मीनें छीनकर किसानों में बांट दो, इस बात से लोकतांत्रिक खेमा जो था वह सहमत नहीं था। इसके कारण थे, लेनिन का जो मानना था वह यह था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, किसान इंटीग्रेटेड नहीं है, किसान बटे हुए हैं, विभाजित हैं। जैसे हमने देखा मजदूरों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएँ थीं। कार्ल मार्क्स को मानने वाली जो लोकतांत्रिक पार्टी थी उसका विचार और समाजवादी क्रांतिकारी जो पार्टी थी उसके विचार में मत भिन्नता थी। जो लोकतांत्रिक विचारधारा के व्लादिमीर लेनिन हुआ करते थे उनकी सोच अलग थी। उनका कहना था कि जिस तरह से मजदूर अलग अलग वर्गों में, शहरी ग्रामीण मजदूर, छोटे बड़े मजदूर, कुशल अकुशल मजदूर, इस तरह में बटे हुए हैं, इसी तरह से रूस में किसान भी अनेक प्रकार के वर्गीकरण में विभाजित हैं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं में विभाजित हैं। कुछ किसान गरीब हैं तो कुछ अमीर हैं, कुछ किसान मजदूरी करते हैं, कुछ किसान पूंजीपति हैं, कुछ किसानों के घरों में मजदूर लगे हुए हैं, कुछ किसानों के यहाँ खेती नौकरों से करवाई जाती है। अब जिन किसानों के यहाँ नौकर खेती करते हैं, मजदूरी से खेती होती है, भला वे किसान उन नौकरों और मजदूरों के पक्ष में क्यों लड़ाई लड़ेंगे? ये कहना था व्लादिमीर लेनिन का। और उनका कहना था कि इस तरह से अनेक धड़ों में बटे हुए किसान समाजवादी आंदोलन का सशक्त चेहरा नहीं हो सकते,
इनको समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। चलिए हम समझते हैं। अब बात आती है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की, मतलब लोकतांत्रिक पार्टी की। तो सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद हो गए। कौन सी पार्टी में? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी में, मतलब लोकतांत्रिक खेमा में। दो खेमे हो गए, एक खेमा कहलाया बोल्शेविक खेमा, दूसरा कहलाया मेंशेविक खेमा। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुमत। बहुमत को रूसी भाषा में बोल्शेविक और रूसी भाषा में अल्पमत को बोलते हैं मेंशेविक। तो इस तरह से बहुमत वाले खेमे का जो नेता था व्लादिमीर लेनिन, वह सोचता था कि जार मतलब राजा, उस राजा के शासन में जहाँ रूस में ऐसा समाज रह रहा हो जो अत्यंत शोषण का शिकार हो, जहाँ पर बात बात पर राजा के सिपाही समाज में डर और भय पैदा कर जाते हों, ऐसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। बोल्शेविक खेमे का कहना सत्य था कि पार्टी ऐसी कैडर बेस्ड पार्टी होना चाहिए कि एक एक मेंबर की पूरी जानकारी हो, एक एक मेंबर के पारिवारिक सामाजिक स्तर का पूरा पता हो, ताकि अगर कभी कोई मुखबिरी करे तो हमको पकड़ में आ जाए कि वो कमज़ोर कड़ी कौन थी। यदि कोई पुलिस के मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वह व्यक्ति इतना अनुशासित हो कि अपनी आवाज़ पार्टी के खिलाफ ना खोले, अपना मुँह ना खोले। इसके विपरीत जो दूसरा खेमा था वह था मेंशेविकों का। वह मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए, चाहे वह अमीर किसान हो, गरीब किसान हो, इस पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मेंशेविकों के नेता थे केरेंस्की, जो बाद में रूस के प्रधानमंत्री भी बने, लेनिन भी बाद में हेड ऑफ द रशिया बने। इन चीज़ों को चलिए हम आगे देखते हैं। रूस में समाजवाद और रूसी क्रांति के अंतर्गत अब उथल पुथल का समय शुरू होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने रूस की राजनीतिक परिस्थितियों का भी जायज़ा ले लिया। अब इस तरह से हमने रूस के आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थितियों को बहुत अच्छे से समझ लिया कि रूस का अर्थतंत्र कैसा था, रूस का समाज तीन भागों में बटा था, रूस का किसान समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, उद्योग धंधे भी वहाँ काम कर रहे थे, और राजनीतिक संगठनों में हमने देख लिया कि प्रतिबंध के बावजूद भी दो खेमे लगातार प्रयासरत थे। इन सारी परिस्थितियों के बाद शुरू होती है उथल पुथल। राजनीतिक गतिविधियों से ये जो उथल पुथल जारी होती है यही कहलाती है 1905 की क्रांति। इस क्रांति ने जार को कितना प्रभावित किया, इस क्रांति से जार कितना लोकतांत्रिक हुआ, कितनी गणतांत्रिक व्यवस्था के प्रति समर्पित हुआ, चलिए इस सारी चीज़ को हम समझते हैं। रूस एक निरंकुश राजशाही था, यह आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि रूस का जो राजा था वह निरंकुश था, मतलब बे रोक टोक राज करना चाहता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उस पर किसी का भी अंकुश हो, उस पर कोई भी टोके, वो उसको कोई कहे कि राजा साहब आपने ये गलत कर दिया, आपको ये करना है, बिल्कुल भी नहीं चाहता था वो ऐसा। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था और उदारवादी इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चला रहे थे। मैं बार बार आपको फ्रांस की क्रांति के साथ तुलना करते हुए रूस की क्रांति में आगे बढ़ रहा हूँ। उसकी मुख्य वजह यह है कि हालात लगभग समान हैं। जो फ्रांस का निरंकुश राजा था लुई सोलहवा, उसने पहले मना कर दिया था कि मैं किसी संवैधानिक संस्था के अधीन काम नहीं करूँगा। इधर जार भी यही कह रहा था, मैं किसी संवैधानिक संस्था के अधीन काम नहीं करूंगा, जबकि यूरोप के बाकी देशों में संवैधानिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सलाहकार मंडली थी उसके अंतर्गत वह राजा काम करते थे। लेकिन रूस का जो जार था वह कहता था मेरे सिर पर कोई बोझ नहीं चाहिए, जो मेरे मन में आएगा करूँगा, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। इस ध्येय वाक्य के साथ में, अहम ब्रह्मास्मि वाले वाक्य के साथ में निकोलस द्वितीय वहां पर शासन कर रहा था। लेकिन उदारवादी भी पीछे नहीं थे, वे लगातार प्रयासरत थे कि किसी भी तरह से इस राजा को हमारे झंडे के नीचे लेकर के आना है। और बस यही उदारवादियों की कोशिश रूसी क्रांति के मार्ग को प्रशस्त करती है।
चलिए कहानी आगे बढ़ रही है, बहुत रोचक है, ध्यान से देखते रहिएगा बिना स्किप की बटन दबाए। 1905 की क्रांति के दौरान उदारवादियों ने संविधान की रचना करने के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। ये बात समझ में आ गई होगी कि रूस में दो तरह की विचारधारा थी, एक डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, एक क्रांतिकारी। इसको दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे। अब उदारवादियों ने एक संविधान की रचना करने का प्रयास आरंभ कर दिया और उन्होंने इस संविधान की रचना के लिए लोकतांत्रिक खेमा और क्रांतिकारी खेमा दोनों को साथ ले लिया, किसानों और मजदूरों के बीच पहुंच गए और उनको संगठित करने का, उनको उनके अधिकार बताने का, जताने के काफ़ी प्रयास करने लगे। रूसी साम्राज्य के तहत इन उदारवादियों को, जो क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, इनको राष्ट्रवादियों का समर्थन मिला। रूसी साम्राज्य के तहत से तात्पर्य लिथुआनिया, लाटविया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये जो देश रूसी साम्राज्य के अंतर्गत थे उनकी बात कर रहे हैं हम, कि उस रूसी साम्राज्य के अंतर्गत जो राष्ट्रवादी लोग रहते थे, जैसे पोलैंड में जो राष्ट्रवादी लोग थे, उसका समर्थन इनको मिल गया। किनको? उदारवादियों को, जिनके साथ क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक खेमा काम कर रहा था। साथ ही साथ इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदी मुसलमान, इनका भी उनको समर्थन मिल गया। अब जदीदी कौन थे? जदीदी वे लोग थे जो रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम थे, जो मुस्लिम समाज में क्रांतिकारी सुधारों के लिए काम कर रहे थे, इस्लाम को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये लोग भी आधुनिकीकरण मतलब बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जदीदी मुस्लिम भी। उदारवादी भी बदलाव चाहते थे, राष्ट्रवादी भी बदलाव चाहते थे, तो जितने परिवर्तनकारी समूह थे ये सारे एकजुट हो गए और इस तरह से उदारवादियों की चल पड़ी। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही थी तभी रूस में 1904 का साल आया, वह मजदूरों के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आया। मतलब 1904 का साल बहुत बुरा रहा। इस वर्ष जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगीं, जबकि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजनीतिक संगठनों ने आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक संरचना का फायदा उठाते हुए रूस में अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया था कि इस जार को अब हमारे झंडे के तले लाना ही है। लेकिन 1904 में जो समय आया वह बहुत बेकार आया। रूस के मजदूरों के लिए यह समय कमर तोड़ देने वाला था। महंगाई आसमान को छूने लगी, उनको मिलने वाला वास्तविक वेतन 20% तक गिर गया। वास्तविक वेतन किसे कहते हैं बता सकते हैं आप? वास्तविक वेतन वह वेतन होता है जिससे पूरा का पूरा वेतन, जिससे वास्तविक रूप से कितनी चीज़ें क्रय की जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं, उसे हम वास्तविक वेतन कहते हैं। जैसे मान लो मुझे मजदूरी के रूप में 2000 मिलते हैं, उन 2000 रुपयों से मेरी ज़रूरत की कितनी चीज़ें मैं वास्तव में खरीद सकता हूँ, वह कहलाता है वास्तविक वेतन। वह बहुत ज़्यादा गिर गया। अच्छा, आपको बता दें, मनुष्य का ही नहीं सारे प्राणियों का स्वभाव होता है जब वे संकट में होते हैं तब संगठन के लिए आगे बढ़ते हैं। यही हाल उन मजदूरों का हुआ। जब उनके ऊपर आर्थिक संकट का दौर आया तो इस संकट से उभरने के लिए ये लोग मजदूर संगठनों की तरफ आगे बढ़े, उनकी सदस्यता लेने लगे और इस तरह से बहुत सारे मजदूर जिसकी जैसी विचारधारा थी अपने अपने संगठनों से जाकर साइन अप हो गए मतलब रजिस्टर्ड मेंबर वहां कर जाकर बन गए। चलिए हम आगे समझते हैं। कहते हैं ना, दुबले और दो असाड़। यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई कि वैसे ही 1904 में महंगाई बढ़ गई थी, ऊपर से एक श्रमिक सभा मतलब एक पार्टी थी, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, इसके ये चार मेंबर, 1, 2, 3 और 4, ये चारों मेंबर्स को प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में नौकरी से हटाने का फरमान जारी कर दिया। जब इन मजदूरों को नौकरी से हटा दिया गया तो इनके जो सहयोगी मजदूर थे उन्होंने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी, जो आयरन वर्कर्स की फैक्ट्री थी उस पर लॉकडाउन कर दिया कि यह फैक्ट्री तभी खुलेगी जब उन मजदूरों को वापस नौकरी पर ले लिया जाएगा। कुछ दिनों तक तो ये जो मजदूर यूनियन थे अकेले लड़ते रहे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सेंट पीटर्सबर्ग मतलब रूस की राजधानी में लगभग 110,000 से ज़्यादा मजदूरों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। काम के घंटे
कम करके 8 घंटे किए जाने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए वे सारे के सारे हड़ताल पर चले गए। अब आप लोगों ने देखा कि रूस में एक फैक्ट्री के 4 लोगों को नौकरी से क्या निकाला, भूचाल आ गया। इतनी ज़बरदस्त एकता थी उन मजदूरों में कि उन 4 मजदूरों को निकाला तो सारे मजदूरों ने हड़ताल कर दी। जब वो हड़ताल चलती रही तो सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस की राजधानी थी वहाँ पर बहुत सारी यूनियंस थी, सारी यूनियनों ने सड़क पर आकर मोर्चा खोल दिया। उनकी 3 प्रमुख मांगें थी। पहली मांग थी अब हम 15-15 घंटे काम नहीं करेंगे, हमारे काम के घंटे 8 घंटे निर्धारित किए जाएं। दूसरी उनकी बात थी जितना काम उतने दाम, मतलब हम 8 घंटे काम करेंगे तो हमको उस एवज में वेतन दिया जाए और यदि अतिरिक्त काम करते हैं तो हमको अतिरिक्त भुगतान किया जाए। साथ ही हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ की कार्य स्थितियाँ ख़राब हैं, पीने को पानी नहीं मिलता, टाइम पे भोजन नहीं मिलता, चोट लग जाए तो दवाइयाँ नहीं मिलती, ये सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पर की जाएँ। इन मांगों के साथ उन्होंने हड़ताल आरंभ कर दी। जब उन्होंने हड़ताल आरंभ कर दी तब क्या हुआ कि विंटर पैलेस के सामने से पादरी गैपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस निकलने लगा। ये लोग नारे लगाते जा रहे थे कि हमारी वेतन को बढ़ाओ, हमारे वेतन को बढ़ाओ, हमारे काम के घंटे कम करो। लेकिन जैसे ही ये जार के महल के सामने पहुँचे, हम अभी भी देखते हैं कि जैसे ही हम हमारी संसद या विधानसभा के घेराव के लिए जो लोग जाते हैं तो पुलिस उनको रोकती है। लेकिन चूंकि ये जो हमारी पुलिस है लोकतांत्रिक सरकार की पुलिस है, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार की पुलिस है, तो यह उतनी दमनकारी नहीं होती है। लेकिन चूंकि वह जार की पुलिस थी, राजा की पुलिस थी और इनके खिलाफ में ही काम कर रही थी, तो उन पुलिस वालों ने और कॉसैक्स मतलब एक धार्मिक समूह था जो ऑर्थोडॉक्स चर्च को समर्पित था, उसने पुलिस का साथ दिया। क्योंकि चर्च की ज़मीनें छीनने की बात भी तो ये उदारवादी कर रहे थे ना, तो इसलिए पुलिस और कॉसैक्स इन्होंने मिलकर मजदूरों पर हमला बोल दिया। जैसे ही हमला बोला आपसी झड़प हुई, गोली ओली भी चल गई। इस घटना में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 300 लोग घायल हो गए। चूँकि यह घटना रविवार के दिन घटी थी इसलिए इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अब आपको परीक्षा में यदि पूछ लिया जाता है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं तो आप बेफिक्र होकर लिखिए। और चूँकि यह घटना जो है वह इतवार के दिन मतलब रविवार के दिन घटी इसलिए इसे हम खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से होती है, मतलब 1905 की जो क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण खूनी रविवार ही माना जाता है। अब खूनी रविवार कैसे कहते हैं इसे आपको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप लोग बता सकते हैं बहुत अच्छे से कि जब रूसी आंदोलनकारी राजा के महल के सामने से गुजर रहे थे, पुलिस ने और धार्मिक सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया, अनेक लोग मारे गए, उस दिन रविवार था इसलिए इसे खूनी रविवार कहते हैं। इस खूनी रविवार को देखकर सारे देश में हड़तालें होने लगी, नागरिकों की स्वतंत्रता को बाधित किया जाने लगा। और जब नागरिकों की स्वतंत्रता को बाधित किया जाने लगा तो विद्यार्थियों ने, वकीलों ने, डॉक्टरों ने, सब ने इसका विरोध शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स ने भी अपनी क्लासेस का बहिष्कार किया और विश्वविद्यालय बंद करा दिए। उधर वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अन्य कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग कर ली कि राजा की शासन नहीं चलेगा, राजा को संविधान की बात मानना पड़ेगी और संविधान सभा की गठन किया जाए। इसके लिए उन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर ली, मतलब संयुक्त मोर्चा का निर्माण कर लिया। वकीलों का संघ, डॉक्टरों का संघ, इंजीनियरों का संघ, कामगारों का संघ, ये सब बोलने लगे कि हमको संविधान सभा चाहिए और इसके लिए हम संयुक्त मोर्चा बनाते हैं, और उस संयुक्त मोर्चा को नाम दिया यूनियन ऑफ यूनियंस। अब माहौल बिगड़ गया था। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संगठन के गठन पर सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। खूनी रविवार ने जार के सिंहासन को कपकपा दिया। जार को लगा कि यदि अगर मैंने अब बात नहीं मानी तो हालात बिगड़ जाएंगे, हो सकता है फ्रांस का दोहराव रूस में भी हो जाए। जार ने चतुराई से काम लिया और कहा कि चलिए ठीक है, उदारवादियों को बुलाया और बोला हाँ ठीक है, मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार हूँ कि आप लोग एक निर्वाचित संसद गठित कर लें, उस संसद की मैं बातचीत मान लिया करूँगा। राजा की इस बात को सुनकर उदारवादी प्रसन्न हो गए और उन्होंने हड़ताल आंदोलन को
विश्राम दे दिया, विराम दे दिया, बंद कर दिया। चलिए अब देखते हैं राजा अपने मन में क्या मंसूबे पाले हुए था। अब जैसे ही 1905 की क्रांति समाप्त हुई, ज़्यादातर कमेटियाँ, फैक्ट्री कमेटियाँ, यूनियनें, इनको गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों पर फिर से पाबंदी लगा दी गई। लोगों ने जार का सम्मान किया कि चलो ठीक है, अभी अभी हमारे पाले में आया है, हम मान लेते हैं। और निर्वाचन संसद, राष्ट्रीय संसद का गठन कर लिया गया, जिसका नाम रखा गया ड्यूमा। इस ड्यूमा को रूसी भाषा में बोलते हैं सदन या घर। तो इस सदन का निर्माण किया गया, जिसमें सारे रूस से प्रतिनिधि चुनकर पहुंचे गए, विशेषकर उदारवादी और रेडिकल्स। लेकिन जार ने पहली ड्यूमा को केवल 75 दिन के भीतर बर्खास्त कर दिया, जबकि दूसरी बार जब ड्यूमा का गठन किया गया तो इसे 3 महीने तक चलने दिया और फिर इसको भी बर्खास्त कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जार अपने सिर पर किसी भी तरह की कोई जवाबदेही नहीं चाहता था, न सत्ता पर किसी तरह का कोई अंकुश रखना चाहता था। और उसने क्या किया, मतदान कानूनों में फेरबदल कर दिया और तीसरी ड्यूमा के निर्माण के लिए रूढ़िवादी नेताओं को उसमें भर दिया, जबकि उससे उदारवादियों को और क्रांतिकारियों को बाहर खदेड़ दिया। अब आपको पाकिस्तान वाला वो चैप्टर याद आ रहा होगा, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, में परवेज मुशर्रफ की कहानी याद आ रही होगी। परवेज मुशर्रफ ने किस तरह से सत्ता पर कब्जा कर लिया था और संविधान को अपने मुताबिक ढाल लिया था। शायद परवेज मुशर्रफ ने इसी रूसी शासक की कहानी को पढ़ा होगा। तो इस रूसी शासक ने ड्यूमा में जो उदारवादी और क्रांतिकारी थे उनको भगाने के लिए मतदान कानूनों में फेरबदल कर दिया और वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गया, अपने समर्थकों को ड्यूमा में भर दिया। इस तरह आप लोगों ने देख लिया कि निरंकुश राजा किसी के अंकुश में आने को तैयार नहीं था और क्रांति संपन्न हो चुकी थी, क्रांति समाप्त हो चुकी थी। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। चलिए हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या स्थितियां निर्मित होती हैं और जार क्या करता है। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, जबकि दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल थे। बाद में इनके साथ इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। किन देशों के पास? इन देशों के पास। जर्मनी का भी बड़ा साम्राज्य था, तुर्की का भी था, ऑस्ट्रिया का भी था, इटली का रोमन साम्राज्य, ब्रिटेन का उपनिवेशवाद तो सारे विश्व में फैला था, फ्रांस का भी अपना एक बड़ा एम्पायर था, रूस के साम्राज्य को हम देख ही चुके हैं, रोमानिया भी एक बड़ा साम्राज्य, मतलब यूरोप की ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ हुआ करती थीं। इनके अहम टकराए और ये आपस में लड़ने लगे। चूंकि इनका साम्राज्य विशाल था, वैश्विक था, पूरे विश्व में फैला हुआ था, तो यह युद्ध भी धीरे धीरे करके यूरोप से पूरी दुनिया में फैल गया। अब चूंकि यह युद्ध यूरोप के बाहर सारी दुनिया में फैल गया, इसलिए इसको पहला विश्व युद्ध कहा गया। इस युद्ध को शुरू शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया और उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। 1905 की जो क्रांति हुई थी उसमें जार ने ड्यूमा में रूढ़िवादियों को भर लिया था। थोड़ी सी जनता जार के प्रति सॉफ्ट हुई थी कि चलो इसने हमारी बात तो मानी। रूढ़िवादी भी जार को लेकर के जनता में अच्छी बातें करते रहे। इसी बीच पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान जनता को लगा कि युद्ध का माहौल है, चलिए हम जार का सपोर्ट करते हैं, जार का समर्थन करने लगे। लेकिन जार तो किसी और ही मस्ती में चूर था। युद्ध जैसे ही जैसे लंबा बढ़ता गया, जार ने निर्वाचित सदस्यों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। निर्वाचित सदस्य जो ड्यूमा में बैठे थे उनको ये बात बुरी लगी और जन समर्थन जार के प्रति कम होने लगा। उधर युद्ध के हालात भी बदतर होते जा रहे थे। चलिए देखते हैं। जर्मनी विरोध की भावनाएं दिनों दिन बलवती होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी ही तो रूस का सबसे बड़ा विरोधी बनकर सामने आ रहा था। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड रख दिया। ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि पीट्सबर्ग, सेंट पीट्सबर्ग को बोलने में जर्मन प्रोनंसिएशन आता था, जर्मन उच्चारण आया करता था।
जबकि पेत्रोग्राद विशुद्ध रशियन उच्चारण वाला शब्द था, रशियन व्याकरण वाला शब्द था। हालांकि दोनों के अर्थ समान थे। सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना जार पीटर ने की थी, उसकी याद में इसको सेंट पीटर्सबर्ग कहा गया और पेट्रोग्राद का अर्थ भी पीटर का शहर होता है। मतलब रूस की जो राजधानी थी सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बार बार नाम बदले गए, सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद पेट्रोग्राद, फिर लेनिनग्राद और वापस फिर उसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया। इसके बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप समझते जाएंगे। जारीना अर्थात जार की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा, वो भी जर्मन मूल की थी, तो लोगों को उससे भी घृणा थी। और उसका जो सलाहकार था रासपुतिन, एक सन्यासी था, उसकी जो हरकतें थी उसकी वजह से भी राजशाही अलोकप्रिय हो गई। रासपुतिन के बारे में हम जब अगली बड़ी कक्षाओं में पहुँचेंगे तब डिटेल से उसको समझेंगे। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे पर चल रही लड़ाई से भिन्न थी। कैसे भिन्न थी देखिए, पश्चिमी मोर्चे में जो सैनिक थे वे पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे, गहरी गहरी खाइयां खोदकर रूसी सैनिक युद्ध कर रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी लंबा फासला तय कर लिया था, बहुत आगे तक निकल गए थे। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुँह में समा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना हारने लगी, भारी पराजय 1914 से 1916 के बीच उसको झेलना पड़ी। 1917 की साल में 70 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। ऐसी स्थिति में हालात खराब हो रहे थे, रूसी सेना की पराजय और लोगों की मृत्यु से रूस का मनोबल टूटते जा रहा था। पीछे हटती रूसी सेना ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट कर डाला। भाई हारती हुई सेना जब वापस लौटी तो उसने रास्ते में जो भी खेत पड़ते, जो भी इमारतें पड़ती उनमें आग लगा दी। क्यों? ताकि वहाँ पर दुश्मन की सेना रुक ना सके, टिक ना सके, उनका पीछा ना कर सके। लेकिन इसका नुकसान रूस के नागरिकों को ही हुआ। 30 लाख से ज़्यादा रूसी नागरिक शरणार्थी में तब्दील हो गए। इतनी बड़ी संख्या में जब रूसी नागरिक बेघर बार हुए तो सरकार और जार दोनों के प्रति उनका गुस्सा फूट पड़ा। उधर इस लंबे युद्ध से सिपाही भी तंग आ चुके थे और उन्होंने लड़ाई लड़ने से मना कर दिया। आपको बता दें कि रूस के जो सिपाही थे वे राष्ट्रवादी भावनाओं से नहीं लड़ रहे थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी ही नहीं, क्योंकि वे लोग अलग अलग तरह के व्यवस्थाओं से राजा की सेना के रूप में लड़ रहे थे, ना कि रूस की राष्ट्रवादी सेना के रूप में। ये सिपाही लंबे युद्ध से परेशान हो गए थे और युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि रूस में उद्योग बुरी हालत में पहुंच गए। वैसे ही रूस में उद्योग कम थे और इस युद्ध के कारण जो बाहर से कच्चा माल आता था वो आना भी बंद हो गया। अच्छा, बंद होने का कारण क्या था? जिस बाल्टिक समुद्र के रास्ते से विदेशों से कच्चा माल आया करता था उस रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो गया। जर्मनी रूस का दुश्मन था। अब ऐसी स्थिति में रूस के जो थे उपकरण तेजी से खराब होने लगे, बेकार होने लगे, रेलवे लाइनें टूटने लगी, अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया, देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी, जरूरी सामान बनाने वाले वर्कशॉप ठप हो गए। प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की कमर तोड़ दी। हारे हुए सैनिक वापस लौटे, जंगलों को, जमीनों को, मकानों को जलाते हुए लौट रहे थे। 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए जो राजा के खिलाफ गुस्से से भर उठे। लंबे युद्ध ने सेना का मनोबल तोड़ दिया, सैनिक युद्ध लड़ने से मना कर दिए। युद्ध के हालातों में जो कच्चे माल की सप्लाई थी वह रुक गई। जिन रास्तों से थोड़ी बहुत बाल्टिक समुद्र जैसे रास्तों से आते थे वहाँ पर दुश्मन देश जर्मनी का कब्जा हो गया। जिन छोटी छोटी वर्कशॉप थीं उन पर भी कच्चे माल के न आने से वो भी प्रभावित हुई, वो भी बंद हो गई। कुल मिलाकर रूस आंतरिक रूप से, औद्योगिक रूप से, आर्थिक रूप से चरमरा गया। रूस में जो अनाज पैदा होता वह सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर दंगे होने लगे। हालात खराब होते गए, बद से बदतर स्थितियां होती गईं। गरीबों को रोटियां मिलना बंद हो गई, आटा मिलना बंद हो गया, जो थोड़ा बहुत अनाज था वो युद्ध कर रहे सैनिकों के लिए भेजा जाने लगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि रूस में स्थितियाँ बहुत विकराल हो गईं।
इसके बाद रूस में क्या होता है इन विकट परिस्थितियों के बीच में, इसको हमको देखना है, इसको हमको समझना है, तो अगले अध्याय तक, अगले वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो के पाठ्यक्रम पर आधारित, विषय वस्तु पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक एक, वास्तविक वेतन से क्या तात्पर्य है। दूसरा, 1914 में रूस का राजा कौन था। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल प्रमुख शत्रु राष्ट्र कौन कौन थे, रूस के शत्रु राष्ट्र। ड्यूमा किसे कहते हैं और तत्कालीन रूस में राजनीतिक संगठनों की क्या स्थिति थी, स्पष्ट कीजिए। मार्क्स को मानने वालों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया। बोल्शेविकों का नेता कौन था। जदीदी किस संप्रदाय को मानने वाले होते थे। विंटर पैलेस में किसका निवास था और 1905 में क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों पैदा हुई, क्रांतिकारियों की प्रमुख मांग क्या थी। तो इस तरह से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने अब नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया होगा तो स्क्रीन को पॉज करके आप इनको नोट कर लीजिए और कॉपी में इनके उत्तर लिख लीजिए। उत्तर को अपने टीचर्स के साथ जाकर जांच करा लीजिए। किसी बिंदु पर कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए एक बात और ध्यान रखिए, ये जो संदेश आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, स्कूल जाना है लेकिन मास्क लगाकर, दो गज की दूरी रखकर, पूरी सावधानी के साथ। हम एक जन आंदोलन का हिस्सा है, हमको COVID-19 से बचाव के लिए जन जागरूकता फैलाना है। तो चलिए आप लोग ये काम करते रहिए, साथ में सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा है पढ़ाई। तो ई क्लासेस बाय मनी सर को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।